दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, लेकिन एक नई कहावत है कि जब हिंदुओं की मौत आती है तो कांग्रेस की तरफ भागता है। एक लंबी बहस छिड़ी हुई है राकेश मारिया, जो कि एक पूर्व कमिश्नर हैं मुंबई के, उनकी पुस्तक के आने के बाद में। उन्होंने इस पुस्तक में जो खुलासे किए हैं, हालांकि वो पहले ही RVS मणि जी, जो कि गृह मंत्रालय विभाग में सचिव रह चुके हैं, उनकी एक पुस्तक के जरिए इन सभी चीज़ों के खुलासे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले, उस फील्ड में रहने वाले और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के साथ में डील करने वाले लोगों के अलग अलग अनुभव हैं और वो समय समय पर खुल खुल कर सामने आते रहेंगे। मैं जिस पुस्तक की बात कर रहा हूँ वो है भगवा आतंक, एक षड्यंत्र। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। RVS मणि जी ने इसमें पूरे अपने जीवन के अनुभवों को लिखा है और जो उस समय पर, जिस समय पर कसाब को पकड़ा गया था, ना केवल वो सब बातें बल्कि उससे पहले की जो पृष्ठभूमि थी 2005 से लेकर के 6, 7, 8, यानी कि कांग्रेस के आने के बाद से लेकर के 2010 तक की जितनी भी घटनाएं थी, जब जब जो जो कुछ घटित हुआ, उन सबको एक चेन में पिरोते हुए RVS मणि जी ने इस पुस्तक को बेहद लाजवाब बनाया है। मैंने इस पूरी पुस्तक को पढ़ा है और समय पर जब कभी भी मुझे ऐसा समय मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो आज का वोटर है, जो आज का युवा है, उसको ऐसा लगता है कि हमारा भारतवर्ष तो 2014 से पहले भी ऐसा ही था। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि यहाँ पर आए दिन हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से आयातित आतंकवादी संगठन इस देश को अपनी ससुराल की तरह समझते थे, जहाँ कहाँ इधर उधर फटते फाटते रहते थे, लोगों को मारते रहते थे। हम लोग कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से खुल करके ट्रैवल नहीं कर सकते थे, बिकॉज हम लोगों को ये रहता था कि न जाने कहाँ पर, किस ट्रेन में, किस बस में, किस कार में, किस सिनेमा हॉल में, किस मार्केट में, कहाँ पर कब बम फट जाए, हमें खुद नहीं पता होता था। लेकिन क्योंकि हिंदुओं को भूलने की बहुत बुरी आदत है, इस वजह से हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं और इस आज के भारत के निर्माण करने वाले नेताओं को ही कोसने काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम वापस चलते हैं राकेश मारिया की इस बुक के ऊपर। इसमें एक जो सबसे खास बात उन्होंने बताई है, वो बताई है कि ISI ने इस बात को लेकर के पूरी तैयारी की हुई थी के कसाब को एक हिंदू आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत करना है, लेकिन क्या पाकिस्तान के चाहने से, क्या ISI के कह देने भर से हिंदू आतंकवाद की पुष्टि हो जाती? नहीं। यहां भारतवर्ष में बैठे हुए वो लोग जो पाकिस्तान परस्त थे, वो लोग जो पाकिस्तान के बंटवारे के समय से लेकर के अब तक जिनका DNA, जिनका ब्लड देश के ऊपर राज कर रहा था, उन लोगों की मिलीभगत के बिना भारतवर्ष में हिंदू आतंकवाद की जो अवधारणा थी वो नहीं रखी जा सकती थी। राकेश मारिया जी अपनी बुक में लिखते हैं कि कसाब का वो चित्र जिसमें कि हाथ पर कलावा दिख रहा था, उसको पब्लिक के सामने लाने से मना किया गया था सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा और यहां तक कि उस जेल प्रबंधन के द्वारा भी, लेकिन जानबूझ करके वो चित्र लोगों के सामने लाया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि कसाब को बेंगलोर की टीचर कॉलोनी के एक नागरिक के रूप में, जिसका नाम समीर दिनेश चौधरी रखा गया, उसकी ID बनाई गई, उस नाम से उसको मरणोपरांत प्रचारित प्रसारित करने की पूरी पूरी इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। अभी इसका हैदराबाद कनेक्शन भी सामने आएगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पहचान पत्र बनाना क्या इतना आसान होता है कि किसी का भी कहीं से भी कोई भी पहचान पत्र बनकर के हाथ में आ जाए? क्या वो उस पहचान पत्र को पाकिस्तान से लेकर के आया था, या यहाँ पर आने के बाद उसको पहचान पत्र दिया गया ताकि इस पूरे काम को करने के बाद जब तू मर जाए तो उसके बाद में तेरी पहचान हो? ऐसा था कि उसको भारतवर्ष में ही यहीं पर बैठने वाले, यहीं पर रहने वाले वो लोग जो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान नहीं जा पाए थे, उन्हीं लोगों ने कसाब के यहाँ पर हेल्प की थी। हैदराबाद के एक कॉलेज का स्टूडेंट बनाया गया था उसको, और इसी नाम के साथ में, यानी कि कॉलेज से भी पूरी तरीके से साठ गांठ करके अच्छे तरीके से
प्लानिंग बनाई हुई थी। चलिए अब इसकी प्लानिंग के दूसरे पहलू पर चलते हैं, जहां राकेश मारिया जी कहते हैं कि हम लोगों ने इसको यानी कि कसाब को जिंदा रखने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। लोग चाहते थे कि इसको तुरंत ही मार दिया जाए, इससे कोई पूछताछ ना की जाए, इसमें कि सरकार के लोगों का भी, तत्कालीन सरकार के लोगों का भी बड़ा हाथ था। उसी में बताया गया कि जिस टाइम पर ये जिंदा पकड़ा गया तो उस टाइम पर बड़ी हलचल मची थी और दाऊद इब्राहिम ने यहां पर बैठे हुए अपने गुर्गों के साथ मिलकर के भी कसाब को जान से मारने का प्रयास किया था, लेकिन राकेश मारिया के प्रबंधन, उनके मैनेजमेंट के चलते उसको कुछ नहीं हो पाया। यहां तक कि अजमल कसाब को इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा था कि भारतवर्ष में अजान होती है और यहां पर नमाज पढ़ी जाती है, क्योंकि उसको यह कह करके भरा गया था कि हिंदुस्तान में मस्जिदों के ऊपर ताले पड़े हुए हैं, वहां पर मुसलमानों को बहुत टॉर्चर किया जाता है, वहां उनके साथ में जानवरों से ज्यादा बदतर व्यवहार किया जाता है। जब उसने अजान की आवाज सुनी तो राकेश मारिया लिखते हैं कि उसको लगा कि ये मेरा दिमाग बोल रहा है, अंदर से मेरी आवाजें गूंज रही हैं। तब उसने जब पूछा तो उसको बताया गया कि यहां पर खुली नमाज होती है, अजान होती है, इवन यहां पर को यार सड़कों को घेर घेर करके, रेलवे ट्रैक्स को घेर करके नमाज पढ़ लेते हैं लोग बाग, तो यहां पर इस तरीके का है ही कुछ नहीं। उसको मस्जिद ले जाया गया, उससे नमाज पढ़वाई गई और तब जाकर के उसको इस बात का यकीन हुआ। दोस्तों इस तरीके के प्रोपेगेंडास पाकिस्तान में फैलाए जाते हैं और वहां पर बताया जाता है कि भारतवर्ष का जो मुसलमान है उसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके रखा जाता है और वहां पर पाकिस्तान में उसका बदला लेने के लिए हमारे हिंदू भाइयों को टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं कि मुसलमानों का जो पैर है वो आज हिंदुओं के सर पर पड़ा हुआ है। ये दोनों देश के मुसलमान आपस में मिलकर के सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बर्बाद करने के प्रयास में लगे हुए हैं। यहां पर ये यहां के मुसलमान तय करेंगे कि यहां पर हिंदू रहेगा या नहीं, और वहां पर वहां के मुसलमान तय कर रहे हैं कि वहां पर हिंदू रहेगा या नहीं। अब उस समय पर जब हम अगर उसी बात को आगे पढ़ते हुए इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहां हमें पता लगता है कि दिग्विजय सिंह, सुशील सिंधे और शिवराज पाटिल गृहमंत्री तत्कालीन, इन लोगों ने अपने मंत्रालय में बैठ करके किस प्रकार से प्लानिंग की थी कि हम भगवा आतंकवाद को प्रोजेक्ट कर सके, किस प्रकार से जब आरवीएस मणि जी के मुंह से ये बात सुनी कि हमले में संबंधित सभी लोग मुसलमान हैं, उनसे उनको हेल्प करने वाले सभी मुसलमान हैं, तो किस प्रकार से तत्कालीन कांग्रेसी आला कमान के चेहरे पर भी शिकन आ गई थी और उनको इस बात से बड़ी खिन्नता थी कि इसमें सारे मुसलमान हैं तो हम बैलेंस कैसे बनाएंगे। आरवीएस मणि जी बताते हैं कि उन लोगों ने इसमें बैलेंस बनाने के लिए ही असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार कराया और वहां पर भगवा आतंकवाद की अवधारणा को नया जामा पहना करके नया प्लेटफॉर्म पर सजाने की कोशिश की थी। इसी दौरान आपने देखा होगा कि महेश भट्ट और दिग्विजय सिंह एक पुस्तक का विमोचन करते हैं जिसमें वो सीधे सीधे मुंबई के इस हमले को आरएसएस के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं और उसमें मौलाना मदनी जैसे लोग, हजारों मुसलमान इकट्ठे होते हैं और हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं और वहां से भगवा आतंकवाद की शब्द की अवधारणा जो है वो पड़ती है। आज भी आप देखेंगे कि छोटी सी भी अगर चीज हो जाए, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि एक चोर, एक उचक्के, एक लुटेरे, एक बदमाश तबरेज को जब पकड़ा गया तो उसके बाद में भगवा राम का नाम हिंदू सनातन को बदनाम करने के लिए बहुत सारे मीम्स बने थे, बहुत सारे पेंटिंग्स बनाई गई थी और बहुत सारे कुबुद्धिजीवी सड़कों पर निकल करके आए थे जिन्होंने एक बार फिर से भगवा आतंकवाद को फैब्रिकेट करने की कोशिश की थी और बदनाम करने की भी कोशिश की थी। अब अगर हम देखें कि कसाब के पकड़े जाने के बाद में, उसकी सच्चाई सामने आने के बाद में भी, उन सब के बावजूद भी क्या कांग्रेसी लीडर्स रुके, तो उसका जवाब है नहीं। उसके बाद में राहुल गांधी कहता है कि हमें आतंकवादी संगठनों, इस्लामिक आतंकवादी संगठन जैसे कि जैश ए मोहम्मद आदि हैं, उनसे खतरा कम है बल्कि आरएसएस से हमें खतरा ज्यादा है। इसका सीधा सीधा मतलब यही बैठता है कि जब हम भगवा की बात करते हैं, जब हम सनातन की बात करते हैं, तब हम एक पॉलिटिकल पार्टी
की बात करते हैं, उससे सीधे सीधे जोड़ देते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी संगठन है जो आरएसएस है, क्योंकि वो सबसे बड़ा अम्ब्रेला है और उसी के नीचे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम आरएसएस को सीधे बदनाम कर दें तो बाकी चीज़ें तो अपने आप ही बदनाम हो जाएंगी। दूसरी चीज़, यदि हम भगवा पहनने वाले साधु संतों को ही बदनाम कर दें, चाहे उसमें शंकराचार्य जी का ही नाम क्यों ना हो, जिनको की रातों रात उठा करके जेल में ठूस दिया गया था, उन्हीं का नाम क्यों ना हो, यदि हम इनके बड़े जो लैंडमार्क्स है उन्हीं के ऊपर सीधे सीधे हम हमला कर देंगे तो हिंदू अपने आप ही वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी के पीछे पीछे चाहे वो स्वामी रामदेव जी के ऊपर हमला हो, चाहे उस समय पर आसाराम के ऊपर हमला हो, उनको जेल में ठूसा जाना हो, अभी तक भी पूरी इंक्वायरी ना किया जाना हो, ये सारी चीज़ें जो है, असीम आनंद जी को जेल में डालना हो, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जेल में डालना हो और फिर जाकर के जाकिर नाइक के साथ में मंच साझा करना हो, मुसलमानों को प्रेज करते हुए हिंदुओं को बदनाम करते हुए, या फिर अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून को लाया जाना हो, ये सारी चीज़ें इस बात को क्लियर करती हैं कि हिंदुओं को हाशिए पर रख करके, यानी कि बहुसंख्यक हिंदुओं को हाशिए पर रख करके कांग्रेस सरकार चाहती थी कि यहाँ पर मुसलमानों को एक बड़ा स्थान दिया जाए। आप सभी लोग सोचेंगे कि सोनिया गांधी तो जो है वो तो कैथोलिक है, तो वो इस तरीके के षड्यंत्र को क्यों करेगी? तो आपको इसके पीछे जाना चाहिए कि इनके ब्लड में कहीं ना कहीं इस्लामिक डीएनए भी है, तो उसकी भी तो उनको पूर्ति करनी है, उसके लिए इन्होंने ऐसा किया होगा, ऐसा हमारा शक जाता है। क्योंकि जो यदि आज अपने आप को कौल ब्राह्मण कह रहे हैं, तो ब्राह्मणों के प्रति इतनी नफरत के चलते, भगवा के प्रति, सनातन के प्रति इतनी नफरत के चलते ये लोग इस तरीके की षड्यंत्रों को कभी अंजाम नहीं देते। आज राकेश मारिया जी की बात हुई है, कल हम आरवीएस मणि जी की पुस्तक पढ़ रहे थे, भविष्य में हम किसी और कमिश्नर, किसी और अधिकारी या किसी और पॉलिटिशियन की बात समझेंगे या पढ़ेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि जब जब हिंदुओं को मरना होता है तो तब तब वो उन्हीं हिंदुओं को ही गाली देने वाले, उन्हीं को ही बदनाम करने वाले, उन्हीं के साधु संतों को जेल में डालने वाले, उन लोगों के खिलाफ साजिश रचने वाले, उन लोगों को वैश्विक पटल पर बदनाम करने वाले, उनको बदनाम करने के लिए पाकिस्तान से हाथ मिलाने वाली उसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग करता है, उसी को वापस सत्ता में लेकर के आता है, क्योंकि हिंदू जो है वो बहुत जल्दी भूल जाता है। मैं इस बात को हजार बार दोहरा चुका हूँ कि वो लोग ना 47 भूले हैं, ना 65 भूले हैं, ना जो 2002 भूले हैं, लेकिन तुम ऐसे हो कि तुम 2013 भी भूल गए, तुम 2015 भी भूल गए, तुम 17 भी भूल गए और तुम 19 भी भूल चुके हो। और इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जब जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब जब हिंदुओं की मौत आती है तो कांग्रेस की तरफ भागती है। और अभी ये जो भाग दौड़ है ये अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हजार साल की गुलामी का डीएनए जो परिवर्तन हुआ है, जो मिश्रित हुआ है हिंदुओं के खून में, उसका असर इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। लोग आते रहेंगे, अपनी जान को जोखिम में डाल करके किताबें लिखते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे, हिंदुओं को जागृत करने का असफल प्रयास करते रहेंगे, लेकिन हिंदू नहीं जागेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो उसको सबके साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों के साथ में इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।